दोस्तों मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सैम टेक्निकल पे। दोस्तों आज आपके लिए एक और नई लोन से रिलेटेड ऐप लेकर आ गया हूं मैं, जिसके अंदर आपको आसानी से लोन मिल जाएगा। कौन सी वो ऐप है? बिल्कुल नई ऐप है। तो दोस्तों इसलिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है, तो लाइक करके ज़रूर जाएँ। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं उस बिल्कुल नई और फ्रेश ऐप के बारे में और उसके सारे प्रोसेस के बारे में। बाकी हमारे जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ऐप के अंदर से आपको टोटल 20,000 रुपये तक की लिमिट मिलेगी, मैक्सिमम लिमिट जो आपको मिलेगी। सबसे पहले आपको अप्लाई नाउ पर जाना है और उसके बाद यहाँ पर आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको डालनी है। 7 स्टेप आपको कंप्लीट करने हैं, उसके बाद यहाँ पर आपको इजीली तरीके से लोन मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम उसके बाद डालना है, आपको फादर नेम डालना है, मदर नेम डालना है, जेंडर डालना है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालनी है, मैरिड स्टेटस आपको डालना है, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर, उसके बाद लैंग्वेज, ईमेल आईडी और एक सेल्फी। चलिए जी मैं ये फटाफट कंप्लीट करता हूँ और नेक्स्ट स्टेप आप लोगों को बतलाता हूँ क्या होगा। दोस्तों फर्स्ट स्टेप हमारा हो चुका है कंप्लीट। यहाँ पर आपको सेकंड स्टेप में यहाँ पर आपको सिटी डालनी है अपनी। यहाँ पर अगर मैं सिटी की बात करूँ तो यहाँ पर ऑल इंडिया में ऐप वर्क कर रही है, तो यहाँ पर जिस भी सिटी से आप वर्क कर बिलोंग हो वो आप डाल सकते हैं आसानी से। यहाँ पर आपको देख सकते हैं सारी की सारी यहाँ पर सिटी आ रही है। तो यहाँ पर चलिए मैं अपनी सिटी चुन लेता हूँ जो मेरी है फिलहाल में। यहाँ पर उसके बाद अपनी जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है, पिन कोड डालना है, करंट डिटेल डालनी है, फुल एड्रेस के आपके, और उसके बाद यहाँ पर आपको सेम एड्रेस अगर है तो सेम कर देना, नहीं तो आपको जो अलग है वो यहाँ पर डाल सकते हैं। चलिए मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। दोस्तों दो स्टेप हमारे कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आपको सेकेंड स्टेप थर्ड स्टेप में जो डालना है यहाँ पर आपको अपना इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डालने पड़ेंगे। यहाँ पर आपको दो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डालने पड़ेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर अपना फादर मदर या वाइफ वगैरह जिसका मर्जी डाल सकते हो। उसके बाद नाम डालना, उसके बाद यहाँ पर आपको आपके कॉन्टैक्ट में से एक नंबर उठा लेना जो भी आप इसके अंदर डालना चाहते हो। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आप चाहे तो ब्रदर का दे सकते हैं, चाहे तो फ्रेंड का दे सकते हैं। यहाँ पर उसके बाद नाम वगैरह डाल के यहाँ पर सबमिट कर देना। चलिए इसे मैं सबमिट करता हूँ फटाफट। दोस्तों यहाँ पर आपके 3 स्टेप कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आता है 4th स्टेप। यहाँ पर आपको अपनी एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर कंपनी का नाम डालना पड़ेगा अपना, जो भी कंपनी में आप वर्क करते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको जिस भी यहाँ पर आपकी कंपनी है तो ठीक है, नहीं तो आप अदर पर क्लिक कर दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर आप कब से वर्क कर रहे हैं ये आपको डालना है। यहाँ पर डेट वगैरह सिलेक्ट डेट डालनी है, और उसके बाद मंथली सैलरी आपको कितनी आती है, ऑफिस स्टेट कौन सी है आपकी, ऑफिस एड्रेस क्या है आपका, और यहाँ पर आपको पिन कोड वगैरह डाल देना। ऑफिस यहाँ पर आपको ऑफिस ईमेल आईडी भी डालनी है, लैंडलाइन नंबर डालना, और एक आपको एम्प्लॉयमेंट बैच भी डालना है। यहाँ पर अगर आपके पास अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अगर आपके पास अपना ऑफिस वगैरह कार्ड वगैरह होगा तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं आसानी से। चलिए मैं ये स्टेप कम्प्लीट करता हूँ फटाफट। तो दोस्तों यहाँ पर उसके बाद जो है आपका स्टेप आएगा, यहाँ पर आपको आधार कार्ड का बैक साइड और फ्रंट साइड डालना है, उसके बाद आपको पैन कार्ड डालना है। ये सबमिट करता हूँ मैं फटाफट अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप लोगों को बतलाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मैं थोड़ा यहाँ पर आपको मैं बतला देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको आधार कार्ड पैन कार्ड की भी ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद केवाईसी में पैन कार्ड और आपको एक फेस वेरीफाई करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे आप फेस वेरीफाई तक के पहुँच जाते हैं उसके बाद आपको देनी पड़ेगी अपनी जो है यहाँ पर बैंकिंग डिटेल, और उसके बाद यहाँ पर आपको लोन हिस्ट्री के बारे में बतलाना पड़ेगा आपको। यहाँ पर हाउ मैनी क्रेडिट कार्ड डू यू हैव, हाउ मच इन योर क्रेडिट कार्ड लिमिट, यहाँ पर कुछ ऑप्शन पूछे जाएंगे आपके पास, अगर हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर आप ये बतला देना है यहाँ पर आपको क्लियर तौर पर, और यहाँ पर आपको उसके बाद एलिजिबिलिटी आपकी पता चल जाएगी। जितनी भी आपकी एलिजिबिलिटी होगी सबमिट आप जैसे कर देंगे, उसके बाद थोड़े टाइम बाद आपको यहाँ पर अप्रूवल मिल जाएगा। उसके बाद आपके अकाउंट में आपकी जो आपके जो भी लिमिट होगी वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया ऐप है इसकी, एक और पहले भी ऐप आई थी इस कंपनी की, तो वो ऐप के ऊपर मुझे लोन भी मिला हुआ था। तो ये भी बहुत बढ़िया ऐप है, सारा प्रोसेस है आपको सेम इसी तरीके से करना है इस ऐप के अंदर भी। तो आप इस ऐप को भी ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको उसके अंदर लोन मिला है तो मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है क्योंकि फ़िलहाल में मैं आप उस ऐप को यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको सिंपल प्रोसेस करना है, आप जैसे यहाँ पर आप लोन के लिए अप्लाई कर देंगे कुछ देर के बाद लगभग 1-1.5 घंटे के अंदर आपको अप्रूवल मिल जाएगा, और उसके 2 से 4 घंटे के अंदर अंदर हद 5 घंटे के अंदर अंदर आपको इसके अंदर से जो भी लिमिट होगी आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। चलिए प्ले स्टोर पर ले चलता हूँ इसके बारे में और बतलाता हूँ इस ऐप के बारे में।
तो दोस्तों यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, देखिए ऐप के अंदर यहाँ पर 100% ऑनलाइन प्रोसेस है सारा का सारा। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 20 ईयर्स से ऊपर आपकी एज होनी चाहिए, यहाँ पर आपको आधार कार्ड पैन कार्ड में लोन मिल जाता है। और यहाँ पर टोटल मैक्सिमम जो लिमिट आपको मिलती है वो यहाँ पर मिलती है जी आपको 20,000 रुपये तलक की। तो दोस्तों इस तरीके से आपको लोन लेना है, बहुत ही बढ़िया ऐप है, आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए एक बार। 6 दिसंबर को ऐप रिलीज़ हुई थी, यानी कि 4-5 दिन हुई हुए हैं अभी ऐप को आए हुए। तो फिलहाल मैं जीरो प्लस डाउनलोड रहा है, यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। यहाँ पर फिलहाल मैं इसको रेटिंग वगैरह भी फिलहाल में नहीं मिली, तो यहाँ पर आप मैंने सारा को सारा आपको बता दिया है। ऐप का नाम है कैशविन इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।